पैसे प्रतिदिन में सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 08068 हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक पार्टी का घर पर ये टीवी रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये टीवी का प्रॉब्लम आप अच्छा करके एक बार देख लीजिए। साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है, बट इसका पिक्चर नीचे साइज पिक्चर नहीं है, ऊपर साइज देखिए पिक्चर है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है? तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये ओनिडा का एक अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ये 14 इंची का टीवी है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों इसका बैक कवर मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये टीवी का जो मेन वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी नंबर आप अच्छा करके एक बार देख लीजिए। देखिए LA7804B इसका वर्टिकल आईसी नंबर है। तो दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों, इसी टाइम मैं कुछ भी चेक नहीं करूँगा, डायरेक्ट ये वर्टिकल आईसी को चेंज कर दूँगा और यहाँ पर मैं अलग से एक वर्टिकल आईसी लगाऊँगा। और कुछ भी ये पोजीशन के अंदर वर्टिकल सेक्शन के अंदर फटा फूटा पार्ट्स नहीं है, तब भी मैं आपको क्या करूँगा, आपको वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल्स करके देखाऊँगा। तो इसीलिए साउंड स्पीकर का आउटपुट पॉइंट मैं ओपन किया और ये डिगोसिंग कॉइल का वायर मैं ओपन किया, तब ये पीसीबी को उल्टा करके काम करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पीसीबी को मैं अच्छा करके देखा, कुछ भी कैपेसिटर टूटा फूटा कुछ भी नज़र में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पार्टी का घर पर ज़्यादा टाइम मैं देना नहीं चाहता हूँ। ये वर्टिकल आईसी को अच्छा करके एक बार देख लेता हूँ कि कुछ भी सोल्डरिंग ड्राई सोल है कि नहीं है। तो ये एक बार आपको अच्छा करके सोल्डरिंग भी करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं एक बार सोल्डरिंग करके देखूँगा और उसके बाद नहीं होगा तो ये आईसी को डायरेक्ट चेंज करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये पोजिशन का मैं सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखिए, इसका अंदर 7804-1 का एक वर्टिकल आईसी लगाया। तो दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी लगाने के बाद और उसका साथ एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर ये मैं चेंज कर दिया। आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये जो चेंज किया, चेंज करने के बाद आपको सप्लाई देखिए एक बार देखूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आपका सामने मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं। तो दोस्तों, अब देखिए, दोस्तों देखिए क्या बात, ये प्रॉब्लम तो और उल्टा हो गया। इसका ऊपर पोजीशन फर्स्ट टाइम लाइट था, बट इसका नीचे पोजीशन लाइट आ गया, ऊपर पोजीशन लाइट चला गया। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, ये पीसीबी को और अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा, वोल्टेज भी एक बार चेक करना पड़ेगा। इसी टाइम दोस्तों, मैं आपको वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या फॉल्ट हो गया। देखिए, वर्टिकल आईसी का ई आईसी का दो सप्लाई -17 वोल्ट का आसपास और 15-17 वोल्ट का आसपास, देखिए दोस्तों ये वोल्ट ईएसटी से आ रहा है, इसका प्लस सप्लाई वोल्ट ओके है और इसका माइनस सप्लाई वोल्ट 17 वोल्ट ये भी ओके है। और उसके बाद आईसी का ये जो पिन है, ये पॉइंट पर -2 वोल्ट देखा जाता है। तो दोस्तों, ये पिन पर मतलब एक साइड जो तीनों पिन देखा जाता है, दोनों साइड का पिन पर प्लस वोल्ट सेम टू सेम थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी मिलना चाहिए। तो ये वोल्ट क्यों कम है? तो चलिए, मैं और अच्छा करके देखने का बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पीसीबी को मैं अच्छा करके देखने का बाद देखिए, ये जो पोजीशन आपको मैं आपको देखाऊँगा कि इसी टाइम मैं एक जम्पर किया कि देखिए, ये जो डायोड है वर्टिकल सेक्शन के अंदर एक डायोड है, यहाँ पर सप्लाई आता है और ये डायोड का पॉजिटिव लाइन पर देखिए कैपेसिटर पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन देखिए कट किया, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है ये आईसी का, ये जो नीचे तीनों पिन देखा जाता है ये साइड का, तो इसीलिए मैं ये जो पॉइंट टूट गया ये लाइन का अंदर, ये डायोड का पॉजिटिव साइड है, यहाँ से मैं वायर कनेक्शन किया। वायर कनेक्शन करने के बाद ये वर्टिकल आईसी का पिन पर कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद चलिए क्या रिजल्ट आता है एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया, चलिए आपको घुमा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो फुल वॉच करने के लिए।